ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत देश भर में कुल कितने जिले हैं? ए 726, बी 639, सी 540 या डी 740। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर में शराबी के प्रदर्शन के समक्ष चोर हुए नतमस्तक। भागलपुर में इसाचक थाना क्षेत्र का पासी टोला शराबखोरी के लिए मशहूर है। हालांकि यहां कई बार पुलिस की दबिश भी पड़ी। कारू चौधरी जैसे शराब तस्करों को पुलिस ने दबोच कर सलाखों में भी भेज दिया है। बावजूद इसके इस क्षेत्र में शराब का काला कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक वायरल वीडियो ने जिले में शराबबंदी की हकीकत सामने ला दी है। वीडियो में नशे में धुत व्यक्ति शराब पीने के दौरान अपना पैसा और मोबाइल चोरी होने का आरोप लगाते हुए सड़क के बीचों बीच लेट गया। वहीं कुछ समय उपरांत उनका मोबाइल मिल गया और वह झट पर उठकर जाने लगा। यह सब कुछ थाने के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में अनवरत हो रहा था, जबकि उसने अपना परिचय चंपा नगर के महाशय ढ्योड़ी निवासी सुनील मिश्र के रूप में दिया है। बताते चलें कि नशे में धुत व्यक्ति बीच सड़क पर ही सो गया। आखिर काफी समय के बाद चोर वापस आकर उसे उसका मोबाइल वापस कर दिया और वह उठकर सड़क से चला गया। रोड छोड़िए ले जाओ भाई। क्या करो यार, के दिया था पता नहीं, कोई स्टोन दिया था, हम नहीं देख पाए। कहाँ आए थे आप? हम यहाँ आए थे। काय के लिए? छोड़ी काय के लिए आए थे? आए थे तो हम ये सोचकर कि हम सोचे कि यहाँ पर जो है अच्छा खासा परिवार रहता है, हम ये सोच कर आए थे। रोड से काय के रोड से? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। क्या किया था? मोबाइल चला लिया था। मोबाइल चला लिया, पैसा भी 3,000 रुपये था मेरे पास। क्या नाम हुआ? सुशील मिश्रा। क्या घर है? चंपा नगर धौरी से। नवगछिया में धूमधाम से मना बाबा गरीनाथ का जन्मोत्सव। नवगछिया में बाबा गरीनाथ सेवा समिति के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में बाबा गरीनाथ गोविंद जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। मौके पर पूजा अर्चना कर उन्हें भोग लगाया गया एवं संध्या में स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गायक मिथुन महुआ मधेसिया ने अपनी गायकी से फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े भक्तों को आनंदित किया। वहीं मौके पर बाबा गरीनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती ने बताया कि बाबा गरीनाथ जी की महिमा अपरंपार है, वे शिव के अवतार माने जाते हैं। वहीं कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भगत, बाबा गरीनाथ सेवा समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त शाह, निरंजन शाह, प्रवीण कुमार, पिंकू, विशाल गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, अरविंद शाह, विजय आनंद सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।
नवगछिया पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि भाजपाइयों ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा कार्यालय नवगछिया में रविवार को भारत रत्न जन जन के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पुण्यतिथि के मौके पर भाजपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर इस्माइलपुर अध्यक्ष विजय यादव, प्रखंड महामंत्री गोपाल रंजीत झा, जिला प्रभारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा रवि रंजन सहित कई अन्य उपस्थित थे। नारायणपुर विवादित जमीन पर जांच में पहुंचे पुलिस पर पथराव, एएसआई समेत 3 जवान जख्मी, 22 नामजद, 13 गिरफ्तार, 30 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव में शनिवार की रात्रि विवादित जमीन पर जांच में पहुंचे पुलिस बल के साथ 144 के बावजूद मकान का ढलाई कर रहे लोगों पर पथराव का मामला प्रकाश में आया है। पथराव के दौरान भवानीपुर थाना के एएसआई सुभाष यादव, डीएपी जवान नंदन कुमार पासवान, अखिलेश कुमार, मुकेश पासवान जख्मी हो गए हैं। मौके पर ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा जख्मी पुलिस का इलाज कराया। एएसआई सुभाष यादव का सर फूटने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए पीएससी नारायणपुर लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भवानीपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, बिहपुर, खरीक, झंडापुर एवं नौगछिया से पहुंचे डीएपी जवानों ने पुलिस छावनी में स्थान को तब्दील कर दिया। लगातार सुबह तक छापेमारी में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि बलहा में 5 डिसमिल जमीन को लेकर मुनेश्वर सिंह व प्रदीप दास के बीच विवाद चल रहा था। नारायणपुर में विद्यालय में तिरंगा का अपमान। नारायणपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय बलहा पूर्व एवं प्राथमिक विद्यालय कॉलेज टोला नारायणपुर में तिरंगा उल्टा फहराने जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर फोटो खींचकर वायरल किया है, जहां प्रभारी प्रधानाचार्य के विरुद्ध तरह तरह की चर्चा की गई है। मामले में कई युवा एवं ग्रामीणों ने तिरंगे की अपमान को लेकर कार्रवाई की मांग की है। बीआरपी मिथिलेश कुमार ने बताया कि शरारती तत्वों द्वारा तिरंगे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। वहीं वीडियो हरिमोहन कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए में ले निःशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8225 6905 या रजिस्टर करें msdwtbihar.com पर। नवगछिया में अनियंत्रित ट्रक ने युवक को मारा धक्का, इलाज के दौरान गई जान। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी 0 माइल के पास NH 31 पर रविवार के 11 बजे दिन में अज्ञात ट्रक के धक्के से थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी कैलाश दास के पुत्र गौतम कुमार 25 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवगछिया पुलिस ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना में युवक का पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। अत्यधिक खून बह जाने के कारण युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। मायागंज अस्पताल में युवक की इलाज के दौरान ही जान चली गई। परिजनों ने बताया कि युवक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रविवार को वह मजदूरी करने के लिए मददपुर की तरफ जा रहा था, इसी दौरान अनियंत्रित वेग से आ रही ट्रक ने उसे ठोकर मार दिया। ठोकर लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। धक्का मारने वाले ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। ढोलबज्जा बाजार को किए गए सील को हटाकर बाजारवासियों ने दुकान खुलवाने की कर रहे मांग। जनप्रतिनिधियों ने ढोलबज्जा थाने में किया शांति समिति की बैठक। बाजार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजार को सील किए जाने के बाद वहां के बाजारवासियों व अन्य व्यवसायी द्वारा सील हटाकर दुकान खुलवाने की मांग करने लगे हैं। ज्ञात हो कि 13 अगस्त को ही नौगछिया SDO मुकेश कुमार व DSP प्रवीण भारती ने संक्रमण को लेकर ढोलबज्जा बाजार के बस स्टैंड, थाना चौक व भगत सिंह चौक को बांस बल्ले लगाकर सील कर दिया था। सील किए जाने के 3 दिन बाद ही वहां के बाजारवासियों का कहना है कि कोरोना काल से ही हम लोगों का रोजगार प्रभावित हो गया है। पूरी तरह बाजार को सील करने के बाद छोटे छोटे व्यवसायियों का आर्थिक स्थिति ज्यादा
बिगड़ने लगा है। कम से कम समय का निर्धारण कर सुबह और शाम भी दुकान खुलवाया जाए। ढोलभज्जा, चोरी की दो मोटरसाइकिल को कदवा पुलिस ने लावारिस अवस्था में किया बरामद। कदवा पुलिस ने गश्ती के दौरान शनिवार की रात चोरी की दो मोटरसाइकिल को लावारिस रूप में बरामद कर लिया है। दोनों मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के है, वह एक हीरो HF डिलक्स व दूसरा हीरो एक्सप्लेंडर है। थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि बरामद की गई मोटरसाइकिल खैरपुर के फोर लेन सड़क के समीप मिला है। गाड़ी मालिकों का पता लगाया जा रहा है। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8228956905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।